नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टील इंडिया और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ी खुशखबरी। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को जल्द ही अगली यानी 18वीं किस्त मिलने वाली है, जो एक बड़ी सौगात होगी। अगर आपका नाम भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दर्ज है तो आपकी किस्मत भी चमकने वाली है और इस बार इस योजना से करीब 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलने वाला है। अगर आपका नाम भी मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दर्ज है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 अक्टूबर साल 2024 तक 18वीं किस्त का पैसा खाते में जमा किया जा सकता है। अगर छोटे और सीमांत किसान आगामी किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें कुछ जरूरी काम पूरे करने होंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो किस्त का पैसा बीच में ही फंस सकता है, जिसमें किसानों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि किस्त की रकम के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में आप फटाफट से जरूरी काम निपटा लें। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को जल्द ही 2000 रुपए की किस्त का लाभ उठाने का मौका मिलेगा, लेकिन किसानों को सबसे पहले जन सेवा केंद्र पर जाकर अपनी ईकेवाईसी करा लेनी चाहिए। इसके अलावा किसान भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके अलावा अगर आपने आधार कार्ड नंबर को बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है तो आपको तुरंत ऐसा कर लेना चाहिए। अगर आप ये काम पूरा नहीं करते हैं तो किस्त का पैसा बीच में ही अटक जाएगा, जिससे कि किसानों को झटका लग सकता है। और ये सारे काम करवाने के लिए आपको जन सेवा केंद्र पर कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बाकी सरकार कोई फीस नहीं लेती है। 2000 रुपए की किस्त 7 अक्टूबर को मिल सकती है। इससे पहले जुलाई में सरकार ने किस्त का पैसा जारी कर दिया था और इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा था जिन्होंने ईकेवाईसी पूरी नहीं की थी। वहीं आप भी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको किस्त का पैसा मिलेगा या फिर नहीं, जिसके लिए आप सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और क्लिक करें। इसके अलावा अब आपको नो योर स्टेटस विकल्प चुनना होगा। इसके बाद किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा और फिर आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और गेट डिटेल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको पीएम किसान का पैसा मिलेगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।